हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, और इसको हमें देख रहे हैं कि एनसीईआरटी में कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बेसिक्स में दिक्कत हो रही है। जो भी बच्चे अभी 11th या 12th में गए हैं उनको दिक्कत हो रही है, लेकिन इस वीडियो के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सबको समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पे दिया गया एक्सरसाइज में आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में 7 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के पोर्शन भी मैं डालूंगा, घबराइए नहीं, एक एक करके आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 को मैंने एक साथ रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले आप लोग पढ़ो, एनसीईआरटी आपके पास होगा ही। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी गिवन इज 0.4 वोल्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम That can be drawn. Current, maximum current कितना हम बैटरी से निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना है बच्चों, आपके पास एक बैटरी है, बैटरी का सिंबल हम सबको मालूम है क्या होता है, दिस इज द बैटरी। यहाँ पे 12 वोल्ट है EMF, EMF कितना है 12 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी हमें मालूम है कि इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाना होता है बैटरी के पास, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बाहर में ऐसा कोई सर्किट नहीं है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस तो है। तो सीधा सीधा यहाँ पे आप ओम्स लॉ भी लगा सकते हो, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर। टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट है और करंट हमारे को मालूम नहीं है। रेजिस्टेंस यहाँ पर सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज 0.4। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो 0.4 यानी कि 120/4, दैट मीन्स 30 एम्पियर। करंट की वैल्यू यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं 30 एम्पियर। ठीक है बच्चों, वो तो बड़ा इजी था, तो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए था। 3.2 करके देखते हैं। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज टू बी कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर, कोई रेजिस्टर होगा। करंट इन द सर्किट इज 0.5, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। ध्यान से देखना है बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज हम लोगों ने किया था काफी अच्छे से, राइट? टर्मिनल वोल्टेज हम लोगों ने काफी अच्छे से किया था। बैटरी, सबसे पहले बैटरी ड्रॉ करो आप, दिस इज 10 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी यहाँ पे ड्रॉ करो 3 ओम, इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर, कौन सी रेजिस्टर है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है ऐसा कुछ, और इज द रेजिस्टेंस जो आपको गिवन है। करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पीयर, करंट आपको गिवन है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, यहाँ भी आप ओम्स लॉ लगा सकते हो बच्चों, वी इज इक्वल टू आई आर। टोटल वोल्टेज यहाँ 10 है, करंट यहाँ पर 0.5 है और ये 3+R है, 3+R टोटल रेजिस्टेंस, राइट? टोटल वोल्टेज V, टोटल करंट I, टोटल रेजिस्टेंस R, ये हो जाएगा 10/0.5, दैट इज 3+R, ये हो गया 100/5 इज इक्वल टू 3+R, 20 माइनस 3 17 ओम आपके पास ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। आपसे मांगा क्या गया है, टर्मिनल वोल्टेज भी आपसे मांगा गया है, तो हम लोगों ने किया था टर्मिनल वोल्टेज से क्या मतलब होता है, यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक के लिए जो वोल्टेज होगा बैटरी के अक्रॉस उसी को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर बोल सकते हैं। ई 10 है, आई 0.5 है और आर यहाँ पर 3 है, सो 10 माइनस 1.5, तो ये 8.5 वोल्ट आपको मिल गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो बड़ा तुच्छा क्वेश्चन निकला, बड़ा इजी क्वेश्चन निकला, लॉलीपॉप क्वेश्चन निकला, कोई बात नहीं, करते हैं सारे क्वेश्चंस। 3.3, थ्री रेजिस्टेंस 1, 2, 3, 4 आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो 10th क्लास का क्वेश्चन था, सीरीज वाले को ऐड कर दो तो 3+2+1 6 ओम हो गया, ये तो अभी छोटा क्वेश्चन था। बी पार्ट, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट एंड नेगलिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इस बार नेगलिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है यानी कि आइडियल बैटरी है, ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, 1 ओम 2 ओम
एंड 3 ओम, और यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड हो गया है 12 वोल्ट के लिए। यहाँ से करंट निकलेगा, तो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू 6 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से आई निकाल सकते हैं 2 एम्पियर, दिस इज 2 एम्पियर करंट जो बैटरी से निकला, यानी कि 2 एम्पियर तो सब में जाएगा, सीरीज में तो सबके पास कांस्टेंट करंट होता है, 2 एम्पियर है सबके पास, 2 एम्पियर है सबके पास। तो क्या करें, वोल्टेज अगर मैं सिर्फ 1 ओम की बात करूं तो 2 एम्पियर इंटू 1 यानी कि 2 वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट हो गया 1 ओम के पास, ठीक है। इसको नाम V1 दे दो, V2 इसके लिए काम करेंगे तो 2 एम्पियर इंटू 2 दैट मीन्स 4 वोल्ट हो गया, ठीक है ना। और V3 यानी कि थर्ड वाले के लिए, थर्ड वाला भी तो रेजिस्टेंस ही है ना, सेम फॉर्मूला लगाएंगे I इंटू R, ये 6 वोल्ट हो गया। तो 6 प्लस 4 प्लस 2 12 वोल्ट टोटल बैटरी का होता है, यानी कि बैटरी ने सबको थोड़ा थोड़ा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, 6 वोल्ट 4 वोल्ट 2 वोल्ट, बच्चों वाला क्वेश्चन निकला। चलो आगे करते हैं। 3 रेजिस्टर्स 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल, सो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल में हमें मालूम है क्या करना है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5 1/R टोटल, इनका आप कंबाइन करोगे, 4 बना दो ये 2 बना दो, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/5 दिस इज 1/R, तो R की वैल्यू हो जाएगी 20/19, ठीक है, 20/19 ओम ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है पैरेलल में। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट, हमारे पास पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन 20 राइट, पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे हम लोग, तो एक रेजिस्टेंस ऐसे लगाओ, एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे लगाते हैं पैरेलल में, कनेक्टेड टू 20 वोल्ट बैटरी, 20 वोल्ट बैटरी में आप ऐसे लगा दो, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। चलो लगा दो, दिस इज 2 ओम, दिस इज 4 ओम एंड दिस इज 5 ओम, यहां से निकलेगा टोटल करंट। सबसे पहले आप टोटल करंट निकाल लो, क्योंकि टोटल वोल्टेज मालूम है, टोटल रेजिस्टेंस मालूम है। ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू I 20/19, 20 गया 19 इधर आ गया, सो I इज इक्वल टू 19 एम्पियर, 19 एम्पियर जो करंट है वो ऐसे बैटरी से निकलेगा। अब देखो पैरेलल में तो सबके पास वोल्टेज सेम होता है, हमें मालूम है पैरेलल में वोल्टेज सेम, यानी कि 5 ओम के पास भी 20 वोल्ट है, 4 ओम के पास भी 20 वोल्ट है, 2 ओम के पास भी 20 वोल्ट है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, टोटल करंट निकाल लिया है, अब निकालेंगे इंडिविजुअल करंट, फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। चलो कर लेते हैं, तो यहां पर मुझे मिल जाएगा V इज इक्वल टू आई आर, मैं 3 बार लगाऊंगा, एक बार 5 के लिए, फिर 4 के लिए और फिर 2 के लिए, सो 20 इज इक्वल टू I1 मान लेते हैं, 2 के लिए बात करेंगे तो दिस इज 2, सो I1 इज 10 एम्पियर, ठीक है, चलो बढ़िया है। दूसरी बार में 20 इज इक्वल टू I इंटू 4, तो यहाँ से इसको I2 नाम दे दो, I2 हो गया 5 एम्पियर। तीसरी बार में हम लोग इसके लिए लगा लेंगे 20 इज इक्वल टू 5 इंटू I3, यहाँ से I3 आ गया 4 एम्पियर, राइट, सो 10 एम्पियर 5 एम्पियर 4 एम्पियर, टोटल 19 एम्पियर था ये हमारे पास करंट, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ने दिखा दिया, बहुत इजी है लॉलीपॉप। हाँ 3.5 और 3.6 भी कर लेते हैं बच्चों, इजी है। At room temperature 27 degrees Celsius, the resistance of the heating element is 100 ohm. Heating element कोई होगा उसकी resistance given है 100 ohm. What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 and temperature coefficient of material? देखो resistance और temperature को relate करने वाला एक formula है हम लोगों के पास. This is R is equal to R naught into 1 plus alpha into delta theta. ठीक है ना? यह फाइनल रेजिस्टेंस, यह इनिशियल रेजिस्टेंस,
क्योंकि किसी रेजिस्टर को हम लोग हीट करते हैं तो वो उसका एक्सपैंड होता है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि 117 है रेजिस्टेंस, आर नॉट 100 है, और अल्फा है 1.7 10 टू पावर -4 इंटू डेल्टा थीटा, ये है ठीक है ना। और यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज द रूम टेम्परेचर, तो गिवन है, यानी कि रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हम लोग हीट देंगे तभी तो एक्सपैंड होगा। तो पहले हम लोग चेंज इन टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1.17 1 प्लस 1.7 इंटू 10 टू पावर -4, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 0.17 और ये हो जाएगा 1.7। बस कैलकुलेशन है बच्चों, और कुछ भी नहीं है इसमें। ये हो गया 17 इंटू 10 टू पावर -2 और ये हो जाएगा 17 इंटू 10 टू पावर -5, ठीक है ना। 17 गया, 10 टू पावर -5 ऊपर जाएगा तो आपको मिल गया 10 टू पावर 3, यानी कि 1000। डेल्टा थीटा मिल गया मुझे 1000, और डेल्टा थीटा का मतलब हो गया फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दिस इज 1000, ठीक है 1000। तो यहाँ पर आपको 27 डिग्री सेल्सियस गिवन है, ठीक है ना, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर जो फाइनल होगा मुझे नहीं मालूम, इनिशियल तो 27 डिग्री सेल्सियस है, ये 1000 डिग्री सेल्सियस आएगा, -27 को आप राइट साइड ले जाओ तो आपको टेम्परेचर फाइनली मिल जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस, है ना, दैट्स द डिफरेंस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, और अल्फा भी समझ के रखना है कि अल्फा क्या है, ये टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रेजिस्टर, टेम्परेचर कोफिशियंट है, अल्फा है, इसका जो यूनिट होगा वो है पर डिग्री सेल्सियस, सी पे -1 लगा हुआ है ना, यानी कि डिग्री सेल्सियस इसके डिनोमिनेटर में है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो 3.6 भी कर लेते हैं, इसको नोट कर लो आपको। तो बस छोटे छोटे फॉर्मूले ही हैं यहाँ पर, एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की भी जरूरत है, क्योंकि दिस क्वेश्चंस आर नॉट एनफ टू स्कोर वेल इन योर स्कूल और इन सीबीएसई बोर्ड। अ नेगलिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एंड इट्स रेजिस्टेंस इज व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो आप सिंपल ये लगा सकते हो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आपको फाइंड करनी है रेजिस्टिविटी, यहाँ पे R गिवन है, A गिवन है, L गिवन है, बहुत सिंपल है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत है, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस दिस इतना है, रेजिस्टेंस 27, यहाँ भी सेम टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर फाइंड करनी, टेम्परेचर कोफिशिएंट फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। यहाँ पर आपको R हायर वाली रेजिस्टेंस लेनी है, पहले इनिशियल 2.1 है, बाद में इंक्रीज होकर 2.7 हो गया, यहाँ लिखोगे 2.7, यहाँ लिखोगे 2.1, अल्फा पता नहीं है, और 100 माइनस 27.5 करोगे तो आपको मिल जाएगा 72.5, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2.7 माइनस 2.1, ठीक है, डिवाइड बाय करेंगे 2.1 इंटू 72.5, दिस इज योर अल्फा, ये हो गया 0.6 अपॉन 2.1 इंटू 72.5, ठीक ये मिलेगा आपको। तो यहाँ से हम लोगों को अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो बस सिंपल कैलकुलेशन है, अपना मोबाइल उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ, कर डालो, कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स इन दिस। आगे हम लोग जेई और नीट के भी इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे वीडियो हमने बना रखे हैं, वहाँ भी आप जा करके अपनी नॉलेज को एक्सपैंड कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे की कार्रवाई करेंगे, इसके आगे का एनसीईआरटी भी सॉल्व करेंगे। बाय बच्चों, टेक केयर।